एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीवी एप्रन। आज मैं आपके लिए पनीर की बहुत ही यम्मी यम्मी और इजी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए हम ये यम्मी यम्मी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पनीर, बारीक कटे प्याज, टोमेटो प्यूरी, दूध, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ ड्राई मसाले, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, जीरा और कुछ खड़े मसाले, बड़ी इलायची, दो तीन छोटी इलायची, तेजपात और दालचीनी, ऑयल फॉर कुकिंग और मसाले में लास्ट में गरम मसाला। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डालेंगे 3-4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। तेल को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा और खड़े मसाले। तो हम इन्हें थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। जीरा और खड़ा मसाला जो है वो सोटे हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटे हुए प्याज, इनको भी हम सोटे कर लेते हैं। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। ये देखिए प्याज अब पक चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी हम सॉटे कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें मिक्स हो चुका है, पक चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे कि हल्दी का कच्चापन जो है वो निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर और नमक। अब इनको भी हम सॉटे कर लेते हैं। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें ताकि मसाले जो हैं जल ना जाए। अच्छी तरह से पक चुके हैं, ये देखिए ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। टमाटर को भी अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी हम गैस का फ्लेम जो है हाई पे कर देते हैं। अच्छे से टमाटरों को मिक्स कर देते हैं मसाले के साथ। ये देखिए थोड़ा सा बॉयल आने लग गया इनमें। अब हम गैस का फ्लेम लो मीडियम करके इनको दो तीन मिनट तक पकने देंगे कि अच्छे से टमाटर जो है वो पक जाए। ये देखिए मसाला पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले मैं थोड़ा दूध डाल देती हूँ इसके अंदर। तो हम गैस का फ्लेम भी हाई कर देते हैं कि इसमें जल्दी ही बॉयल आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दूध डालने से ना
क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, जैसे हम क्रीम डालते हैं या मलाई डालते हैं, ऐसे दूध भी हम डाल सकते हैं। अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं है, क्रीम नहीं है, दूध तो होता ही है घर में, तो आप दूध भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम बाकी का दूध डाल देंगे। तो देखिए बॉयल भी आने लग गया है। इसको बस हम एक मिनट तक पकाएंगे ऐसे ही। ये देखिए हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। आपको इसको जितना थिक करना है आप उतना कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको थिक करें अगर आपको थिकनेस इसकी और ज़्यादा चाहिए। ये देखिए कितनी यमी लग रही है। अब हम इसमें डालते हैं फाइनली पनीर। हम इसे पनीर डालते हैं। पनीर आप तभी डालें जब आपने इसको सर्व करना हो, खाना हो थोड़ी देर में ही, नहीं तो पनीर जो है वो बार बार गर्म हिलाने से वो टूट जाएगा और इसका जो है वो अच्छा भी नहीं लगता है फिर पनीर टूट जाए तो। इसको बड़े ही आराम से इसको मिलाएं इसके साथ। इसको हम पनीर को जस्ट हम 2-3 मिनट के लिए ही इसमें ग्रेवी में पकाएंगे, सारा फ्लेवर आ जाएगा। पनीर को पकने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको हम थोड़ी देर तक लो मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और कसूरी मेथी और फ्लेवर। इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार है, कितनी यमी लग रही है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है, सब्जी पनीर की यमी यमी। आप इसको पराठे के साथ, लच्छे पराठे के साथ, नान के साथ और कि चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही यमी लगी। यमी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि उसको आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।